चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नित्यानंदिनी वन ऑफ इट्स काइंड ऑथेंटिक केरला आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर इन द्वारका। आयुर्वेदिक डॉक्टर इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन। एक्सपीरियंस द हीलिंग। दिल्ली की हरदिल अजीज नेता और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित की मृत्यु से पार्टी नेता और कार्यकर्ता जहां खासे चिंतित हैं, साथ ही उनके जाने से दिल्ली बीजेपी के माथे पर भी चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी हैं। दिल्ली के बीजेपी नेता मानकर चल रहे थे कि दीक्षित के होते आगामी विधानसभा चुनावों में मुकाबला तिकोना होगा, जिसका नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा और बीजेपी लाभ की स्थिति में रहेगी। लेकिन अब बीजेपी नेता इस बात से परेशान है कि शीला के न रहने से दिल्ली की राजनीति किस करवट बैठेगी। फिलहाल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष तय करेगा कि दिल्ली का राजनीतिक मिजाज आगामी विधानसभा चुनावों में कैसा होगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन शीला दीक्षित के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उनकी यह बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने इस चुनाव में दिल्ली में राज कर रही आम आदमी पार्टी को तीसरे नंबर पर धकेल दिया था। दिल्ली में 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 15% वोट मिला था, जबकि इस साल हुए इलेक्शन में उसे करीब 22% वोट मिला। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी बात यह रही कि उसका परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक एक बार फिर से उसके पास वापस आ गया और उसने आम आदमी पार्टी को ठेंगा दिखा दिया। दिल्ली की राजनीति की नब्ज समझने वालों का मानना था कि यह सब इसलिए हुआ कि दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित को बनाया गया, जिसके बाद सारे समीकरण बदल गए। कांग्रेस उभर कर आई और आम आदमी पार्टी की पेशानी पर बल पड़ गए। लेकिन अब शीला का जाना कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चिंता का सबब बनता हुआ दिखाई देता है। इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानना था कि आगामी विधानसभा चुनावों में भी लोकसभा चुनाव जैसा सीन बनकर उभरेगा। कांग्रेस इस चुनाव में शीला दीक्षित सरकार के 15 साल के कार्यकाल में हुए विकास को मुद्दा बनाएगी, जिसका लाभ यह होगा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अच्छे वोट मिलेंगे और यह वही वोट होंगे जो 2015 के लिए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को पड़े थे, जिसके चलते वह भारी बहुमत से जीती थी। यह वोट कांग्रेस के माने जाते थे। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का मानना है कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज 32-35% तक रहने का अनुमान है। शीला जी होती तो यह चुनाव तिकोना हो जाता। इसका लाभ यह होता कि बाकी वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बढ़ जाता और उसका लाभ सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिलता। लेकिन अब शीला के न रहने से सारे समीकरण बदले हुए दिखाई देते हैं, जो बीजेपी के लिए खासी चिंता की बात है। अब फिलहाल यह भी देखना होगा कि शीला दीक्षित के न रहने से दिल्ली कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा और इसी के बाद दिल्ली का नया राजनीतिक मिजाज बनेगा और तीनों पार्टियों में फिर से नए समीकरण बनेंगे। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार जयप्रकाश अग्रवाल, योगानंद शास्त्री, शर्मिष्ठा मुखर्जी, राजेश लिलोठिया का नाम इस पद के लिए सबसे आगे है। लेकिन समस्या है कि पूरी दिल्ली के कांग्रेसियों में यह नेता शीला दीक्षित की तरह सर्वस्वीकार्य नहीं है। इस बात की भी संभावना है कि कांग्रेस आलाकमान विधानसभा चुनाव को देखते हुए किसी भारी भरकम नेता को दिल्ली का अध्यक्ष बना दे, लेकिन उसे दिल्ली की राजनीतिक सोच को समझने में वक्त लगेगा, जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए परेशानी का कारण बनेगा। फिलहाल दिल्ली में कांग्रेस शून्य की स्थिति में है, बीजेपी चिंतामग्न है, तो वहीं आम आदमी पार्टी अपने को बार बार तोलती हुई दिखाई देती है। ब्रेकिंग न्यूज द्वारका के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।